अनेरी वजानी टीवी की उन खूबसूरत हसीनाओं में से एक हैं, जिन्होंने हाल ही में एक नए ट्विस्ट एंड टर्न के साथ सीरियल अनुपमा में धमाकेदार एंट्री ली है। जिनके आने से ना सिर्फ शो में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं, बल्कि अनुपमा की जिंदगी में भी ऐसा तूफान आन पड़ा है कि फैंस के दिलों में उनके शो को छोड़ने का बस डर आ गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये उठता है कि क्या वाकई अनेरी वजानी की शो में वापसी से अनुपमा का पत्ता शो से साफ हो जाएगा? क्या दोनों के बीच मुकाबले की टक्कर होगी, या फिर मेकर्स ने शो की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ और ही सोचा है? इन सभी सवालों का जवाब देंगे आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको बताने आए हैं। तो अगर आप भी जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो इससे पहले आप हमारी इस दमदार वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि टीवी के सबसे ज्यादा टीआरपी वाले शो अनुपमा और अनुज की लाइफ काफी अच्छे से चल रही है। दोनों के फैंस उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों की खुशियों में अब जल्द ही ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि शो में अनुज की छोटी सिस्टर मालविका उर्फ अनेरी वजानी की एंट्री हो गई है, जिसके आने से शो में अब एक नया मोड़ ले लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनेरी वजानी शो में मालविका के किरदार। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या मालविका की वापसी से शो में अनुपमा का पत्ता साफ हो जाएगा, और क्या दोनों के बीच मुकाबले की टक्कर होगी? तो हम आपको बता दें कि जहाँ पहले काव्या अनुपमा को टक्कर देती हुई उनकी सौतन बनकर आई थी, तो वहीं अब अनेरी वजानी जाहिर तौर पर उन्हें बराबरी की टक्कर देने के लिए ही आई होंगी। जी हाँ, शो की कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोनों के बीच बराबरी की टक्कर हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ वनराज के लिए नहीं बल्कि अनुज को लेकर दोनों के बीच मुकाबला होता हुआ दिखेगा। लेकिन ये बात तो हम भी अच्छे से जानते हैं कि अनुपमा सीरियल अनुपमा उर्फ रूपाली गांगुली पर ही टिका हुआ है। पूरा शो ही अनुपमा के लिए बनाया गया है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अनेरी वजानी के आने से शो में अनुपमा का पत्ता साफ हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पर दोनों के बीच में अच्छी खासी टक्कर जरूर देखने को मिलने वाली है, जिसे हम शो के एपिसोड में देखने वाले हैं। वेल दोस्तों, आप कितने खुश हैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस अनेरी वजानी को शो में देखकर? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।